अरे अगले साल अमित शाह आकर के बोला था कि छोटी छोटी पार्टी को निगलने वाले हमारे ये डर से परेशान है और जो जो रिजेक्टेड लोग आती पिछड़ा पिछड़ा में उसको शामिल करना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदासिव, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि एनडीए जो है सभी भी छोटे छोटे नेता बड़े बड़े नेता को एक साथ करके एक बैठक करने जा रही है, इस पर रत्नेश सदा ने कहा कि आपने देखा था कि पिछले साल ही अमित शाह ने कहा था कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है छोटी छोटी मछलियाँ हैं, सभी मछलियों को खा जाएंगे, यानी छोटी मछलियों को समाप्त कर देंगे। लेकिन जब 23 जून को बैठक हुई विपक्षी दलों का, इसके बाद जो है एनडीए पूरी तरह से घबरा गई। आइए सुनते हैं कि रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा। अरे अगले साल अमित शाह आकर के बोला था जो छोटी छोटी पार्टी को निगलने वाले हमारे पार्टी से बढ़कर संसद यहाँ कोई नहीं है। आप देखे होंगे 23 और 16 तारीख को इन्होंने कहा 23 तारीख को सब भ्रष्टाचारी का बैठक हो रहा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्षी एकता को मजबूती करने में कामयाब होने लगे कि फिर तुरंत अपने दल में भी 38 आदमी को बैठा करके वो भी क्या बैठा करना शुरू किए। ये डर से परेशान है और जो जो रिजेक्टेड लोग आती पिछड़ा पिछड़ा में उसको शामिल कर रहा है। एक बड़ा सवाल है, संतोष मांझी जो है जो आपके पद पे पहले थे, हाँ। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, और बीजेपी के प्रदेश सम्राट चौधरी गए थे गृह मंत्री से मिलने अपराध को लेकर। देखिए पहले तो सम्राट चौधरी को समझना चाहिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, वहाँ आदिवासी दलित महादलित को महिलाओं को साथ अत्याचार किया, नंगे पैरेट किया जाता है, उसके पति को हत्या किया जाता है, भाई को हत्या किया जाता है, तो वहाँ के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। बिहार में ऐसा कोई घटना हुआ है जहाँ की बिहार के डीजीपी को तलब किया है? इससे उनको सबक लेनी चाहिए। कहना है कि नीतीश कुमार नालंदा से भी चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। अरे भाई उसको बोलने का छपास हो गया है, समझ गए? आने वाले भविष्य में 2024 में ही साफ है। कहीं पिछड़े का वोट क्या लगता है एनडीए जो है अपने खेमे में ला पाएगी, जिस तरीके प्रयास? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ही लोग के साथ आरक्षण यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अगर हमको बुलाएगी तो उनके पास चले जाएंगे और इंडिया बुलाएगी तो अपना व्यक्तिगत मामला है और क्या कहते हैं उसकी दल की मामला है, उस पर शीर्ष नेतृत्व मल्हा समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। सुनिए इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेंगे। दलित महिला के साथ रेप का घटना कटिहार में, वो आप दलित के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं। तो आपने सुना रत्नेश सदा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 23 जून को जो बैठक हुई थी इसके बाद जो है विपक्षी दल जो है काफ़ी घबरा गए थे और इसी वजह से एनडीए लगातार ये बयान दे रही है कि नीतीश कुमार जो है भ्रष्टाचारी हैं और भी जितने भी 23 जून को जो विपक्षी दल बैठे थे सभी के लेकर के ये आरोप लगाया गया कि विपक्षी दलों में जितने भी लोग बैठे हैं सभी भ्रष्टाचारी हैं। ये सिर्फ घबराहट का ही नतीजा है। जब पत्रकार ने ये सवाल किया कि आखिर बिहार में लगातार दलित महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घट रही है, तो इस पे सवाल का जवाब देते हुए बचते हुए नजर आए और वो आगे निकल दिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष पटना।